अगर आप भी नववर्ष की खुशियां दुगनी करना चाहते हैं और भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ पिकनिक स्पॉट का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए बाबा नगरी देवघर में सबसे अच्छा विकल्प नंदन पहाड़ है। बाबा मंदिर से इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर है। हरी भरी वादियों के बीच बसा नंदन पहाड़ में एंटरटेनमेंट के सभी साधन मौजूद हैं, जहां आप पूरे फैमिली के साथ नव वर्ष की खुशियां मना सकते हैं। अभी से ही नंदन पहाड़ में सैलानियों की भीड़ देखने को मिल रही है। नंदन पहाड़ पहुंचने वाले पर्यटकों से खास बातचीत की है संवाददाता बबलू शाह ने। नमस्कार, आप देख रहे लाइव सेवन। मैं इस वक्त हूँ नंदन पहाड़ देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर से मजा 3 किलोमीटर की दूरी पर नंदन पहाड़ है, जहाँ पर्यटक स्थल सैलानियों का जो है वो स्थान यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से पार्क है, बहुत ही यहाँ घूमने फिरने का और भी झूला का आनंद ले सकते हैं। मछली घर है, भूत घर है, ये सब को देखते हुए यहाँ जो है आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है। इसके बाद जो है लोग और सैलानी जो है यहाँ पर को आना स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो है ये नंदी है और इन्हीं के नाम पर ये पहाड़ नंदन पहाड़ रखा गया है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ही मत शहर से कुछ ही दूरी पर ये रहने के कारण यहाँ हर समय भीड़ सैलानियों का लगा रहता है। मैं यहाँ पर जो प्रशासन की ओर से जो लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि इस बार जो है 31 दिसंबर है, सैलानियों का क्या नाम हुआ आपका? चंद्रभूषण प्रसाद विल्सन। क्या यहाँ पर जो है आज 31 दिसंबर है, साल का लास्ट दिन है, कल साल का? यहाँ तो 25 तारीख से भीड़ हो रहा है सर। कैसा भीड़ है? कैसा? अच्छा सर, मैंने अदर स्टेट से भी आदमी लोग यहाँ आ रहे हैं सर, कंट्री से भी आ रहे हैं सर। क्या उनका फीडबैक क्या मिल रहा है? फीडबैक सब बोलता है कि नंदन पहाड़ बहुत अच्छा जगह, यहाँ पर आने बाद शांति मिलता है, सुकून मिलता है सर। घर में अगर बच्चा अगर रोता है सर, तो माँ अगर बोल देती है कि बेटा चलो नंदन पहाड़ जाके घुमाएंगे, तो बच्चा चुप हो जाता है सर। मैडम, कैसा लगा आप नंदन पहाड़ घूमने आई, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो है क्या क्या चीज आप देखने को मिला आपको? बहुत सी नई नई तरह की चीजें हैं, बहुत सी चीजें देखने को। आप कहाँ से आई हैं घूमने के लिए यहाँ पे? यूपी से आए। यूपी से आए हैं। कैसा लगा नंदन पहाड़? बहुत अच्छा लगा। कैसा आप यहाँ घूमने फिरने में जैसे देखने, यहाँ क्या क्या चीज देखने? बहुत सब चीजें हैं सर, भगवान की मूर्ति है सर, ये जब झूला है, बहुत सब देखने का चीज मिला है। देख रहे हैं कि यहाँ जो पर्यटक है वो भी यहाँ की जो है बड़ाई कर रहे हैं यहाँ घूमने फिरने। और यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितने पर्यटक जो है, मात्र 10 रुपये का यहाँ टिकट है और 10 रुपये में आप पूरा पहाड़ मतलब पार्क का, झूले का और बहुत तरह का आनंद ले सकते हैं। पहाड़ के एकदम ऊपर जहाँ पर कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से कि इस तरफ जो है पूरा पार्क है, देख रहे हैं पार्क के साथ साथ बगल में झूला है, रेस्टोरेंट है, बच्चे लोग जो है यहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं और 31 दिसंबर का आनंद उठाएंगे। देख सकते हैं कि झूला जो है बच्चे लोग किस तरह से झूल रहे हैं। और ये इधर देखिए, ये बच्चे का सबसे खास चीज़ है ये भूत घर। भूत घर जो है वो बच्चे के लिए सबसे खास होता है और वो बच्चे बहुत ही मतलब जिज्ञासा के साथ इसको देखते हैं। वो देख सकते हैं कि मिक्की माउस है, चरखी है, आप देख रहे हैं सामने। आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ स्क्रीन के माध्यम से कि देखिए सामने झील है, वो तालाब है, उसमें आप स्टीमर का भी आनंद ले सकते हैं। बच्चे लोग पूरे इंजॉय के साथ यहाँ 31 दिसंबर मना रहे हैं। बस मैं इन्हीं के साथ, आप देखते रहिए लाइव सेवन। मैं देवघर से बबलू शाह।